आप क्या कहेंगे? सर, कोर्ट का डिसीजन आपने सुन लिया और बिल्कुल भी है पाकिस्तानी आई एम एस सिविल सर्वेंट कम्प्लाई कोर्ट को प्रोजेक्ट को करना है और कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया 30 डेज अकॉर्डिंगली जो लीगल है हमें ये कोर्ट अप किया जाएगा उसको भी फाइल की जाएगी बाकी भी फर्दर उसकी पिटीशन आएगा। वैसे आपने अपनी गलती तो तस्लीम की थी अदालत के सामने? नहीं, आपने शायद कोर्ट को फॉलो नहीं किया। जी जी, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिए गए कि जो MPO इशू हुआ और उसका बेसिस रिपोर्ट थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की और स्पेशल ब्रांच की और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है जिसमें तमाम एजेंसी जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो मेंबर्स होते हैं वो एक कमेटी कन्वीन हुई और उन्होंने कंसेंसस से डिसीजन दिया कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनेगा अगर MPO इशू नहीं हुआ और कोर्ट डिटेन नहीं किया। वो कोर्ट के सामने हमने सबमिशंस की गई थी तो वो जहर है वो चीज़ें कोर्ट का अल्टीमेट डिसीजन है एंड वी ऑल एज पाकिस्तानी हैज़ टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द कोर्ट और वो बिल्कुल हम कंप्लाई कर रहे हैं। अब 3 MPO गैर कानूनी करार दे दिया गया था तो क्या एजेंसियां किसी गैर कानूनी काम के लिए एक डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दे सकती हैं? मसल आपने शायद अगेन वो IC फॉलो नहीं की, वो जो MPO सस्पेंड हो गया है तो अगेन पावर आ गया। देखिए बात ये है कि लेकिन उससे पहले हुआ था ये नई शरियारा फिदी के या जैसी बात कर जी उस वक्त तो सस्पेंशन थी और उसके बाद भी जो कोर्ट ने सस्पेंड किया वो भी ICA में वो ऑर्डर। लेकिन जब ऑर्डर जारी किया क्या उस वक्त वो सस्पेंडेड था 3 MPO? नहीं, तो वो गैर कानूनी था मानते हैं? नहीं, सस्पेंड नहीं था, मैं यही नोट कर रहा हूँ। देखें, आपने यही बात की ना कि पावर सस्पेंडेड थे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, पावर सस्पेंडेड नहीं थे। जब पावर सस्पेंडेड नहीं थे तो गैर कानूनी कैसे हो गया? नहीं नहीं, कानून के हवाले से तो फैसला दे चुकी थी ना 3 MPO के हवाले से इस्लामाबाद, वो भी आपने शायद फॉलो नहीं किया। देखिए, आप उस ऑर्डर को पढ़ें जो मई का ऑर्डर है टू बी एग्जैक्ट 29 मई का और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, उस ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें कहीं ये चीज मेंशन नहीं की कि कहीं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता तो मैंने अगेन बात की कि हम सब पे ये फर्ज है, लागू है कि हम फॉलो करें और मिशन को फॉलो करते रहें। और उसके बाद एक लाइन ऑफ डिटेनमेंट हुई है फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड थ्रू डिफरेंट FIRs और उसके बाद हमने तो दोबारा जो MPO किया वो कुछ 2-3 महीने की बात है, वो ऑगस्ट में दोबारा MPO हुआ और उसका भी बैकग्राउंड मैंने आपको अर्ज कर दी। तो जो लीगल चीज़ें अवेलेबल थी हमारे पास हमने उसको फॉलो किया, कोर्ट में हमारे सबमिशन की गई और आज कोर्ट का डिसीजन भी आप सामने आप सारा फॉलो करते रहे हैं। 7 मंथ्स वो जब इनिशिएट हुई थी कंटेंप्ट ऑगस्ट में एंड टुडे 1 मार्च तो लीगल जो हमारे पास। तो आप ये कह रहे हैं कि आज 3 MPO के जो अख्तियारात हैं वो बहाल हैं और आप आज भी उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे अर्ज की कि वो आपने खुद बात की कि वो बहाल हैं, ICA में सस्पेंडेड है, वो चीज़ को आएगी तो जरूर उसको एग्जामिन किया जाएगा एज पर लॉ की और पहले भी एज पर लॉ चीज़ें थी गई और दोबारा देखी जाएगी वैसी है। देखिए, अगेन वही बात है कि हम इधर जो खड़े हैं तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो इस मुल्क में हैं वो और तमाम सिटीजन भी इवन कोर्ट का एहतराम करते हैं और कोर्ट के एहतराम में ही जो है वो एक जस्टिस है और सक्सेस है सर। और उसी तरह इंशाल्लाह कोर्ट का एहतराम किया जाएगा, कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो मनोम हम पहले भी मानते रहे और भी इंशाल्लाह मानेंगे। थैंक यू जी मैडम। अपील तो कर रहे हैं जी, वो तो हमारे लीगल राइट है, वो तो लीगल राइट है। अगर ना की तो फिर 30 दिन लीगल राइट है वो देने का, जो लीगल राइट है वो तो इंशाल्लाह अवेल किया जाएगा।